नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एजेंसी और मैं हूं अनीता अक्षत शाक्यवर। आज हमारे साथ है भारतीय मानव कल्याण महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नाटा जी, प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम जी, युवा शहर अध्यक्ष खेम चंद वर्मा जी। आप सभी का न्यूज एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रहेगा राजेंद्र नाटा जी से। राजेंद्र जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई भारत देश में, आज भी दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी है ना, मानव कल्याण समिति को क्या आवश्यकता बनी गठन करने के लिए? क्या दोनों पार्टी ठीक तरीके से अपना कार्य नहीं कर रही हैं? नहीं, कार्य तो कर रही, बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपनी समिति जो है ना, कि अपन जमीनी स्तर पे जो काम करना चाहिए वो कोई पार्टी जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है, ये सब हाई लेवल काम कर रही है। अपनी पार्टी पूरी जमीन को गांव के अंदर गरीब स्तर, निधन स्तर, बेसहारा स्तर जो है, मतलब नीचे स्तर के लोगों, उनको लेके चलने काम करना पहले, अपन उनको बाकायदा लेके आना सड़क, मतलब कि रोड पे क्या क्या आप देखें कि मतलब कि पार्टी काम करे। सर बीजेपी आप देख लो आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने क्या किया, रात को 5 बजे शपथ ली, राष्ट्रपति शासन का भी पता नहीं पड़ा क्या हुआ, वो अपना तुम्हारा क्या बोलते हैं इसका, राज्यपाल को भी नहीं पता कब क्या हो गया, वो बेदरक उन्होंने शपथ ले ली, किसको पता नहीं है, सुबह 8 बजे न्यूज आती है कि इन्हें शपथ ग्रहण हो गया। तो इस कारण से अपन चाहते हैं कि जमीन स्तर पर काम करके पूरे लोगों को मालूम करें कि भाई कांग्रेस के अंदर लाओ और देश बचाओ। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके स्वराज जीवन वाल्मीकि जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने वाल्मीकि समाज के अंदर भी, उनका रहने वाले अपना अलीगढ़ के हैं और दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस कमेटी, वो इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मेरे को इस दायित्व दिया, मतलब प्रदेश के लिए, तो अपनी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी करीबन 47 जिलों में अपन नियुक्ति कर चुके हैं और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। जमीन के अंदर के लोगों शासन के बारे में स्कीमें दे रहे हैं, कलेक्टर की जो स्कीमें बता रहे हैं गांव गांव जाके कि इसका फायदा लो पूरा पूरा, मतलब कि साथ ही साथ में देखा जाए तो आपकी जो महासमिति है ये जागरूकता का कार्य भी कर रही है जी। अब मेरा अगला सवाल रहेगा प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम जी से। सलीम जी, मेरा अगला सवाल ये आपसे कि युवाओं को आपसे काफी उम्मीदें हैं जी, वो उनको ये पता है कि आप उन्हें रोजगार दिलवाएंगे, तो आप इस रोजगार को दिलवाने के लिए क्या खास कदम उठाएंगे? हमारे पास अगर कोई भी रोजगार के लिए आता है या इस टाइप से हम जितनी भी उसकी हेल्प कर सकते हैं कांग्रेस, मतलब अपने राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, जहाँ तक भी हमारी हो सकती है हम लोग उतनी कोशिश करके उनको रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हम अपने इंदौर जिले में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको अपनी समिति से जोड़ के इनके लिए दिन रात काम करके हमारी समिति का नाम रोशन करें। अब मेरा अगला सवाल रहेगा अध्यक्ष खेम चंद वर्मा जी से। आपकी जो महासमिति है खास करके महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, आप क्या कदम उठाने वाले हैं? और कदम तो इनको जितना से कोशिश इनको मदद करेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारी समिति चाहती है कि जितने भी अच्छे तरह से उनका अपन सहयोग कर सके, मदद कर सके, वो अपन कोशिश करेंगे इसमें। और खास करके क्या सहायता दी जाएगी आपके? सहायता उनके बच्चों के कन्यादान के, उसमें पढ़ाई के, रोजगार के, उसमें दवाई अस्पताल में उनके इलाज की जो सुविधा है वो हम कोशिश करेंगे उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करा सके उसकी मदद करेंगे। अभी हम बात करें तो अभी फिलहाल में कांग्रेस की सरकार है, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो उन सरकार के बेहतर आप लोग और क्या अच्छा करेंगे? कोशिश करेंगे अगली बार सरकार कांग्रेस की आए जी हाँ, उसकी पूरी मेहनत की जाएगी, पूरे गांव-गांव में जागृत किया जाएगा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस विचारधारा को लेके, और उसकी पूरी स्कीमें जो है सरकार गरीबों को नहीं मिल पा रही है उसको पूरी पूरी स्कीम दिलाई जाएगी। मतलब देखा जाए तो आपकी भारतीय मानव कल्याण महासमिति है ये कांग्रेस के अंतर्गत आ रही है जी। कांग्रेस के साथ संगठन बनाकर आपने इस समिति को बनाया है जी। तो देखा जाए तो आपने देखा होगा कि सर जब कुछ भी बातचीत होती है, जब युवाओं के रोजगार पर बात होती है तो युवाओं को ठीक तरीके से रोजगार नहीं मिलता है। अभी हम देखा जाए तो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट उतारेगी? हमारी करीबन कोशिश है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उतारने की जी। हमारी दिल्ली के अंदर बात हुई स्टेज सिलसिले के अंदर, उनको बोला गया कि हमारी समिति के जो खास खास लोग हैं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको टिकट दिलाया जाए और बाकायदा पूरी सीटें जीत के आएंगे।
फिर भी कितनी सीटें पे लड़ने की संभावना है और कितनी सीटें जीतने? हमने अभी उनसे 50 सीट की डिमांड करी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो खास खास होगी और मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, तो अपन ने करीबन अभी 27 में नियुक्ति कर चुके हैं। तो हर जिले के अंदर अपने आदमी अपना खड़ा करेंगे जैसे अपनी समिति का नाम आगे बढ़े। तो मतलब कि जो मानव कल्याण महासमिति है आपकी, यदि हम बात करें तो कांग्रेस से हटके इसको टिकट दिया जाएगा या फिर निर्दलीय में माना जाएगा यदि कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो? नहीं, कांग्रेस से अपन कांग्रेस से मांग रहे हैं, जब बाकी जो पार्टी बोलेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। मतलब कि मानव कल्याण महासमिति 50 कैंडिडेट के लिए निकाय के टिकट मांग रही है? मांग रही है। तो आप लोगों की पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा सलीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हमारी पार्टी का मुद्दा सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, इसके साथ अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने एमपी का, इसका विकास करना है, जो गरीब लोग गरीबों की सहायता करना है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवराज जी जीवन जी, उनके आदर्शों पे हमें चलना है और उन्हीं को मतलब उन्हीं के साथ चल के हमें अपने समिति का नाम भी रोशन करना है। नहीं सलीम जी, मेरा खास करके ये सवाल आपसे एक और रहेगा, जैसे कि पार्षद चुनाव तो जीत जाते हैं पर नगर निगम का ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, सड़कें गड्ढे के आज भी हम देखे जाए तो वही बुरा हाल है। आपका यदि कैंडिडेट जीतता है और खड़ा होकर अच्छे जीतता है, हमारी ये शुभकामना रहेगी न्यूज अर्जेंट टीम की कि आपका कैंडिडेट खड़ा हो तो अवश्य जीते, आप ऐसा क्या स्पेशल काम करेंगे यदि आप जीतते हैं निकाय के चुनाव? तो स्पेशल काम यही रहेगा कि जो हम लोगों को सुविधा मतलब हमारे जो कैंडिडेट को सुविधा मिलेगी वो पूरा गरीबों तक पहुंचाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचारी या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो अभी तक के कैंडिडेट करते आए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट करते आए हैं और अन्य पार्टी के कैंडिडेट करते आए हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है। चलो जी, देखिए जब चुनाव आते हैं तो हर कोई नेता, हर कोई पार्टी, हर कोई गठन, हर कोई समिति यही वादे करती है, क्या आप लोग भी इसी वादों के साथ आए हैं या फिर बातें करेंगे या फिर काम करके भी दिखाएंगे? नहीं, हमें तो काम करके दिखाना, अभी 15 साल में बीजेपी की सरकार थी, उसने क्या काम किया? भ्रष्टाचार किया। ये उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके मतलब कार्यकाल में काम हुए हैं और उन्हीं के कामों को लेके बीजेपी ने थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे और आगे बढ़ के काम करें। अब मेरा अगला सवाल है ना खेमचंद वर्मा जी आपसे, शिवराज सिंह चौहान को जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हमारे प्रदेश के, मुखिया भी रह चुके, उन्हें आपके क्षेत्र की जनता क्यों पसंद नहीं करती? जब न्यूज चैनल ने पड़ताल करी टीम ने तो आखिर क्या कारण ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करते हैं? युवा लोगों को रोजगार नहीं मिला जी, है ना, काम धंधे लोग खत्म कर दिए, घोटालेबाजी इतनी करे, पेपर घोटाले में इनका नाम है, डंपर घोटाले में इनका नाम है, इन्हें ऐसा कौन सा कारण गरीब मजदूर की मदद करी, कौन से काम, कौन से काम मिले, सब में घोटालेबाजी करनी, केवल अपना एड और अपना नाम करने के लिए हमने सारा कुछ करे, बाकी किसी की कोई ऐसा नहीं था, इसलिए बोला। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया होगा, मुझे बताया हमारे न्यूज हलचल के माध्यम से कि व्यापम घोटाला, सब कुछ घोटाला है, पर कुछ आरोप कांग्रेस पार्टी पे भी लगे हुए थे, कुछ आरोप आज भी बीजेपी आपके ऊपर लगाती है, इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? हमारी पार्टी का, हम तो अभी नई पार्टी हमने संगठन करी है, अभी तक उसकी शुरुआत कर रहे हैं, अब हमारी पूरी पार्टी कांग्रेस से जुड़े उस पर अगर लगे तो अपने को अभी मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी नई नई जुड़ी, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसकी शुरुआत करने के बाद में हमारी पार्टी में कोई दाग लगता है तो उसको आप बोल सकते हैं। यदि कोई भी आम आदमी आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, आप पूरे दर्शकों को बताएं? बिल्कुल, उनको हम हमारे संगठन जुड़ना चाहेंगे, उनके हम पूरी मदद करेंगे, हमारे पास जो भी हमारा पावर उसका इस्तेमाल करके उन सबको जुड़ कर पार्टी को मजबूत बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, यही हम चाहते हैं। राजेंद्र जी, अभी तक आपने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है, काफी लोग को मैंने देखा आप लोगों के पास मदद के लिए आते हैं, तो क्या क्या समस्या लेकर आए थे, क्या क्या मदद? जमीनों की समस्या लेके बहुत सारे जमीन ने कब्जा कर ली है, जमीन कब्जा कर लिया है, रास्ता हमारा बंद कर दिया है, हमारे मकान में कब्जा कर लिया है, उनका अपने अर्जुन का हमारे साथ माननीय गृह मंत्री जी का सपोर्ट ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली से उनका ही बोला गया है कि दिल्ली से आपको जो भी काम होगा माननीय गृह मंत्री जी बालावचन जी करेंगे जी। तो उनके दो संरक्षक में हम अपना काम कर रहे हैं, कोई भी परेशानी थी उनको बोलते हैं, माननीय हमारे पी शर्मा जी वो भी अच्छे अपने कानून मंत्री, वो भी अपना अच्छा वो ध्यान देते हैं हमारी समिति को,
माननीय दिव्या सिंह जी को भी अच्छे ध्यान देते हमारी समिति को, पूरा पूरा हमको सॉल्व मिलता है। जब भी हमें परेशानी होती है हमको बागे तुमको बताते हैं कि हमारी समिति को प्रॉब्लम हो रही है, उनके द्वारा हमको एक कंप्लेंट आई गई है। एक बहुत सी अभी खंडवा के अंदर बहुत से पेंशनों के अधिकारियों की पेंशन रोक रखी थी जी। तो वहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष अनुरोध जी मत कर गई, उनको मैंने फोन लगाया कि उनका फोन है, उनको फोन लगाया कि आप देखिए जाके देखिए क्या परेशानी आ रही है। उनने दावा तो अधिकारी से बात करी, उनको पूरी पेंशन की स्कीम देकर उनको पेंशन दिलाएगी। तो आप सभी ने देखा हमारे साथ अभी मौजूद थे कल्याण महासमिति के अध्यक्ष राजेंद्र नाटा जी, प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम जी, युवा शहर अध्यक्ष खेम चंद वर्मा जी। आप लोगों ने अपना कीमती हमारे स्टूडियो में दिया, बहुत अच्छा लगा। हमारी न्यूज एंजल की टीम से यही बिल्कुल आपके लिए अपेक्षा कि आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, काम करे। तो आपने देखा साथियों, मानव कल्याण महासमिति के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में सच्चाई है, इन तीनों की बातों में दम है। अब ये फैसला आपको करना है, भारत देश की जनता को करना है कि इनकी मानव समिति कितनी आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात करूंगा और नए शख्सियत के साथ। देखते रहिए न्यूज हलचल, सच के साथ सीधी बात।